जिलाधिकारी देहरादून सोनिका विकास नगर के राजावाला पहुंची, जहां पर उन्होंने विवादित निजी काश्त भूमि का निरीक्षण किया, जिससे सैकड़ों की संख्या में पूर्व में साल के अवैध रूप से पेड़ काटे गए थे। जिलाधिकारी ने सोनिका मामले में अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रकरण की विस्तृत जांच करने की समिति बनाते हुए पेड़ कटान सहित भूमि का समतलीकरण कर अवैध खनन रोकने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण किए जाने की संभावनाओं में जांच के आदेश दिए। दरअसल यह पूरा मामला 2 साल पूर्व तब सामने आया था, जब सैकड़ों की संख्या में निजी काश्त की भूमि से साल के अवैध रूप से सैकड़ों पेड़ काटे गए थे। की ग्राम सभा की जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है, वही देखने आए थे। तो यहाँ पे जो पोर्शन ग्राम सभा का है उसके सीमांकन के लिए निर्देश दे दिए हैं, और उसी तरह से फिर ग्रामवासियों को भी पता चल जाएगा कि कौन सी लैंड ग्राम सभा की है, कौन सी प्राइवेट। इसके अलावा भी आप धुला जा रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है? वहाँ पे भी एक शिकायत का ही प्रकरण है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो 5-3 नंबर की जो सरकार की लैंड है उसी के ऊपर अतिक्रमण होगा, वही देखें।